नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं 13 मार्च 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चनों के बारे में तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो पहला क्वेश्चन है आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साबरमती में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है साथ ही उन्होंने गांधी आश्रम स्मारक का मास्टर प्लान भी लॉन्च किया है कोचरब आश्रम साल 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित एक डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ किसने किया है तो सही आंसर हो जाएगा अर्जुन राम मेघवाल जी ने सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर अर्जुन राम मेघवाल ने सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ किया है जो कि एक डिजिटल प्रदर्शनी है सुभाष चंद्र बोस जी के जीवनी पर आधारित केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल इन्होंने सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित एक डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ किया है यह प्रदर्शनी राष्ट्रीय अभिलेखागार में उपलब्ध दस्तावेजों पर आधारित है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे हाल ही में मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल्स एमआईआरवी टेक्नोलॉजी के साथ किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है तो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का अग्नि फाइव बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सटीक आंसर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने हाल ही में मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि फाइव मिसाइल का पहला सफल फ्लाइट टेस्ट किया है अग्निफाइव मिसाइल जो कि पचपन से अठावन किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम है अग्निफाई मिसाइल को मिशन दिव्यस्त्र नाम भी दिया गया है तो इसका अन्य नाम क्या है मिशन दिव्यस्त्र नेक्स्ट यहां पे हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो सही आंसर हो जाएगा इसका नायब को नायब को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है तो ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर नायब सैनी जो कि बने हैं हरियाणा के नए मुख्यमंत्री इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे मनोहर लाल खट्टर इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब यहाँ पे हरियाणा के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं नायब सैनी अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन कहा किया गया है सही आंसर है सेसल्स में सेसल्स में आयोजित किया गया है एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस दो का आयोजन मल्टीनेशनल एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन 26 फरवरी से 8 मार्च 2024 तक किया गया तक किया गया कहा गया भारतीय नौसेना के जहाज आई एन एस तीर ने भारतीय दल का प्रतिनिधित्व तो किया है और इस अभ्यास में 16 देशों ने भाग लिया है भारतीय नौसेना दल जो कि 2019 से इस अभ्यास में भाग ले रही है अब ये सेसल्स क्या है तो सेसल्स जो गणराज्य है ये पश्चिमी हिंद महासागर में एक द्वीप देश स्थित है यह एक अफ्रीकी देश में अफ्रीका में आता है जिसमें लगभग 115 द्वीप शामिल हैं और जहां बड़ी संख्या में भारतीय मूल वंश की आबादी निवास करती है सेसल्स गणराज्य की जो राजधानी है वो है विक्टोरिया राष्ट्रपति है इसके वेवल राम क्लावन और मुद्रा है सेसल्स रुपया

तो इसलिए इन्हों इनको यहाँ पे आईसीसी मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है और फरवरी माह के लिए अगर हम आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करें तो ये दिया गया है ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड को तो वुमेन्स के लिए वुमेन्स के लिए इनको दिया गया और मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड यशोस्वी जयसवाल को दिया गया अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है एस एस राजीव को ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सटीक आंसर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एस एस राजीव को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है एस एस राजीव एक वरिष्ठ बैंकर की तरह कार्य करते हैं और केंद्रीय सतर्कता आयोग एक शीर्ष भारतीय सरकारी निकाय है जिसकी स्थापना उन्नीस में की गई थी नेक्स्ट यहाँ पे मार्च 2024 में किस हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिया गया है तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का जो खिताब दिया गया है यह दिया गया है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को अपनी उत्कृष्टता के लिए लगातार छठे वर्ष एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है जो आई है यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा ये एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का इसको खिताब मिला है और ये अवार्ड दिया है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एसीआई द्वारा ये अवार्ड से दिया गया है तो दोस्तों ये हो गए आज 13 मार्च 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन और इसी प्रकार हमारी दो, दोस्तों ये डेली करंट अफेयर्स सीरीज जिसमें हम डेली यहाँ पे हर दिन यहाँ पे करंट अफेयर्स आपके लिए लाते हैं मॉर्निंग में ताकि आप लगातार अपडेट रहें करंट अफेयर्स के आ, से संबंधित क्योंकि लगातार एग्जाम में हर एग्जाम में करंट अफेयर्स जरूर पूछा जाता है तो इस तरह से दोस्तों जरूर आप जुड़े रहें उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए धन्यवाद